नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं MI राउटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे MI राउटर 3C के बारे में। और आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे जो है वो आप अपने MI राउटर के थ्रू कई सारी वाईफाई जो है वो बना सकते हैं। कई सारी से मेनली है, एक से ज़्यादा जो है वो आप वाईफाई बना सकते हैं। उन पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं और उनको ओपन भी जो रख सकते हैं। इसकी कोई कंडीशन जो वो नहीं होती है। मोस्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि हमारे दोस्त हमारे पास आते हैं या फिर हमारे नेबर्स होते हैं, वो हमसे मांगते हैं हमारे वाईफाई का पासवर्ड। तो ऐसे में जो है वो हम लोग अपने वाईफाई पर्सनल पासवर्ड को देने की बजाय हम लोग जो है वो एक और वाईफाई का नेटवर्क जो है उनको क्रिएट करके दे सकते हैं कुछ समय के लिए। और उसकी चाहें तो हम लोग जो है वो स्पीड बैंडविड्थ वगैरह जो है वो हम लोग चेंज जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ पूरी वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जो है वो हमें जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की खास जानकारी जो है वो मिलती रहे। अभी हम लोग जो है वो विजिट कर जाते हैं हमारे इंटरनेट ब्राउजर में। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वाईफाई नेटवर्क जो वो दिखाया जाएगा। बिल्कुल आपके सामने ये जो है वो Xiaomi का एक वाईफाई नेटवर्क जो है वो चल रहा है और दूसरा हम लोग जो है वो यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा वाईफाई कनेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए अपने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जिसमें भी हैं हम लोग। और उसके बाद हमें विजिट करना है 192.168.31.1 पर। इसके बारे में IP की जो है वो डिटेल आपको आपके बॉक्स पे भी जो है वो मिल सकती है। अगर आप पहली बार इसका सेटअप कर रहे हैं तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगी जिसके जरिए जो है आप जान सकते हैं कि सेटअप जो है वो कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों हम जो है वो यहाँ पर सेटअप करने के बाद पहले पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है अगर पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने चेंज कर लिया तो यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो एंटर कर लीजिए। जैसे कि मैं मेरा पासवर्ड जो है वो एंटर कर देता हूँ यहाँ पर वाईफाई राउटर का, और यहाँ पर जो वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे जो वो वाईफाई राउटर के अंदर एक्सेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कितने डिवाइसेज यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पर मेरा वाईफाई जो वो चल रहा है और यहाँ पर मेरा जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्टेड है बिल्कुल। तो यहाँ पर अब जो वो हमें क्लिक करना है सेटिंग्स के आइकन पे। जैसे हम सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करेंगे, पहला जो है वो हमारे सामने ऑप्शन होगा वाईफाई नेटवर्क का। यहाँ पर जो वो वाईफाई सेटिंग का आप जो है वो इसको ओपन कर लीजिए या फिर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप थोड़ा नीचे चले जाइए, यहाँ पर आपको एक गेस्ट वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा जिसे गेस्ट मोड जो हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट का टिक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जो है आपको VIP जो है वो बनाती है गया है आपके गेस्ट को। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट क्लिक करके ये जो है वो आपका पासवर्ड होगा, जो भी आप पासवर्ड ऐड करना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड जो है आप डाल सकते हैं। तो आप अपना पासवर्ड जो है यहाँ पर डाल दीजिए या फिर इसको सीधा ब्लैंक भी जो वो कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आपको खाली छोड़ना है तो आप इसको खाली जो वो छोड़ सकते हैं और सेव जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे पासवर्ड जो है वो आपसे रिक्वायर्ड कहा जा रहा है, तो आप जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो एंटर कर लीजिए और सेव जो है वो क्लिक कर दीजिए। सेव क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपकी डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट होगी और आपकी वाईफाई जो है रिस्टार्ट होगी। आप क्लिक कर दीजिए ओके पे। उसके बाद आपसे मांगा जाएगा 30 सेकेंड का समय। 30 सेकेंड के अंदर जो है वो आपकी वाईफाई जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो दो वाईफाई जो है वो दिखाने वाला है। अगर आप इसको बंद करना चाहेंगे तो बंद करने के लिए भी आपको कुछ खास नहीं करना। वहां पर जहां पर स्टार्ट लिखा हुआ था उसके सामने ऑफ का भी एक बटन था, वहां पर जो है आप क्लिक करके और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वाईफाई जो है वो दूसरी वाली वो जो है वो बंद हो जाएगी। इसे जो है वो वाईफाई को हम लोग SSID के नाम से जानते हैं। तो अभी जो वो हमारे सामने रिबूटिंग चल रही है, हमारा जो राउटर है वो रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला जो है वो कनेक्शन बन चुका है और दूसरा भी जो यहाँ पर कनेक्शन आ चुका है। तो हम इसके अंदर भी जो वो कनेक्ट कर सकते हैं खुद को। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से जो वो आप एक से ज़्यादा वाईफाई राउटर जो वो बना सकते हैं। पासवर्ड ना लगाना हो तो आप यहाँ से इंक्रिप्शन पे क्लिक करके और जो इंस्क्रिप्शन है उसको जो वो नन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वो नॉट इंक्रिप्टेड यहाँ पर करेंगे तो आपका जो पासवर्ड नहीं होगा और ऐसे में जो आप बिना पासवर्ड के अपना वाईफाई राउटर जो वो चला सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप जान पाए होंगे एक MI राउटर में जो आप एक से ज़्यादा वाईफाई नेटवर्क जो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, साथ के साथ शेयर बटन दिया है वीडियो के नीचे, शेयर बटन पर क्लिक करके जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में डालिए आपको जानकारी कैसी लगी और क्या नई जानकारी आप जानना चाहते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहे दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।